वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल गाइज। हम लोग आगा खान पैलेस पे आए हुए हैं। नया दिन, नया एक्सपीरियंस, नया थ्रिल। पुणे में ही है आज हम लोग, पुणे दर्शन में आए हैं। हाउ आर यू? हाय हाय ब्रदर। गाइज वी आर सन किस्ड राइट नाउ। डेफिनेटली देख लो गाइज, अभी अंदर जाके देखते हैं इस पैलेस में क्या खासियत है। हाउ आर यू? द ग्रेट लीडर महात्मा गांधी जी का यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। वर्ल्ड वॉर टू का भी डिस्क्राइब किया गया है। साइलेंस प्लीज, कृपया शांति बनाए रखें। नहीं का नाम? मैं नीलम महाजन हूँ। ओके, मैं यहाँ 41 ईयर से गाइड का काम कर रही हूँ। ये कपड़ा है मीरा प्रणत जयप्रकाश दादा की धर्म पत्नी का कपड़ा। इसी कपड़े में मीरा प्रणत सुबह 11 बजे खेला करती थी। इसी कपड़े में गांधी जी का प्रजापति का श्लोक लिखना पढ़ना सिखाया। और यहाँ स्टैचू है अस्पृश्यता निवारण का प्रतीक है। ये झाड़ू है हरिजन का प्रतीक है और यह हरिजन बालक है। तो गांधी जी इस हर के बालक उठा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। कोई ऊंच नीच न हो, तो समाज रहे, शांति से रहे, प्यार से रहे। गांधी ने वहां फैलाया था और सभी लोगों ने प्लेस है राइट, जहाँ पे फर्स्ट टाइम गांधी जी ने अपना इंडियन फ्लैग को लगाया था, कांग्रेस का झंडा लगाया था। सॉरी, सभी लोगों ने गाना गाया था। बंकिम चंद्र चैटर्जी का जो गाना था वंदे मातरम, वो गाना यहाँ गाया। 3,000 विद्यार्थी थे जो अलग अलग कॉलेज के थे, पटना के, जिन्हें तिरंगा झंडा फहराया था। और उनके जो नेता थे अनुग्रह नारायण, उनको गिरफ्तार किया गया। और जैसे ही विद्यार्थी ऊपर चली रहे थे झंडा फैलाने से, उनको गोलियां चलाई और 7 विद्यार्थियों का बलिदान हो गया। और वहाँ एक ऑडियो वीडियो क्लिप है, जैसे सामाजिक नेता जो है राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर उषा बैस और अन्य सामाजिक नेता जो संदेश भेजा करते थे, जिसे आजाद रेडियो कहा जाता था। संदेश की शुरुआत होती थी एक गाना से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप देख सकते हो गांधी जी की वाइफ जो है कस्तूरा, और वो बेड जो दिख रहा है इसी बेड पे उनका देहांत हुआ था। आगर खान का ओके। अभी इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। कितने साल पुराना है ये? 130 साल पुराना स्ट्रक्चर है। ब्रिटिश, मुगल, इटालियन सारे लोगों ने मिलकर इसको कंस्ट्रक्ट किया था। हाउ ओल्ड आर यू मैम? आई एम प्रोफेसर 42 इयर्स में आई काम करती हूं। अभी हम लोग समाधि देखने जा रहे हैं गांधी जी की, जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, बिफोर दैट ये मिट्टी का था, फिर उसको पत्थर का बनाया गया है। नाउ अभी पहले से ज्यादा बेटर कर दिया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पुरानी चीजें थी अब नहीं रही, तो इसको कॉन्सेप्ट करके एक विजिटर प्लेस बना दिया गया है, टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। ये समाधि पार्ट है, तो मैम हमें एक्सप्लेन करेंगे अबाउट दैट। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। महादेव जी के समाधि पर उन्होंने ओम अंकित की और कस्तूरबा की समाधि पर उन्होंने हे राम अंकित की। ये दो समाधि है जो कि गांधी जी ने बनाई थी। अभी तो उसको पत्थर का बना दिया गया है, पहले ये मिट्टी का था। यहाँ पे महादेव देसाई जी की समाधि है और दूसरी जो है श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि, जो कि गांधी जी की वाइफ थी। ये ऐसे है जिसको राख भी बोलते हैं गांधी जी की, जो यहाँ पे अभी तो पत्थर का बना दिया गया है। प्रायर दैट सब चीज यहाँ पे मिट्टी का था। मैम ने एक्सप्लेन किया कि ये कब बना था और क्या क्या चीजें यहाँ से रिलेट है। मैम ने सारा कुछ बताया, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इंटरेस्टिंग। सो हाय हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कुछ बताओ मुझे, क्या बताएं? आगा खान पहले से हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल कुछ तो बोल कुछ। ये पैलेस 1892 में बनाया था नामदार सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान। ये खोजा सिया इस्माइली जमात के इमाम थे जिन्होंने ये महल बनाया था। और 1953 में हमारे स्कूल ने, नेशनल मॉडल स्कूल, जिन्होंने ये महल 1,000 रुपया भाड़ा पर ये महल लिया था। और मेरी बड़ा बचपन यहीं गया और
आठवीं तक मेरी पढ़ाई यही हुई। फिर 1969 में जो अभी की जो आगा खान है, प्रिंस करीम शाह आगा खान, हिज हाइनेस, जो भारत में आए और उन्होंने ये महल दान दे दी। क्योंकि 1942 में गांधी जी ने भविष्यवाणी कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं आगा खान से ये महल मांग लूंगा अगर वह न दे, ये संभव हो सकता है, लेकिन किसी रोज हिंदुस्तान तो आजाद होगा, तब ये यात्रा का स्थल होगा, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में जगह मुझसे मिल न सके और ये तीर्थ स्थल के रूप में मैं देख पाऊं, लेकिन मेरे बाद ये जरूर बन जाएगा, ये मैं जानता हूँ। और ये सच हुआ। 22 फरवरी 1969 में जो अभी के आगा खान है, ये अपने भाई अमीन आगा खान के साथ आए। यहाँ बड़ा फंक्शन हुआ था उस समय, वो राजीव देसाई उपस्थित थे, वसंतराव नाइक उस समय चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो आगा खान साहब ने कहा कि मैं और मेरा भाई बहुत खुशी से महल दान देना चाहता हूँ। अब मैं सेवन सैटरडे थी। गांधी मूवी जो आपने देखी है यहीं पे शूट हुई है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह भी यहीं पे ही शूट हुई है। चैनल को करो भाई के चैनल को एकदम पहुंचा दो, मतलब सौरभ जोशी को भी आगे कर दो इसको।